छोटी अयोध्या जो कि यहाँ से करीब करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ दर्शन करने के बाद अब आगे वापस नैमिषारण्य की तरफ जाते हुए, देखिए ये मणि पर्वत वास्तव में देखा जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आज गुरुदेव ने हमें अयोध्या भेज दिया है। ये देखिए शिवलिंग उधर से रमणीय स्थल, अंदर बहुत बहराम में है, उधर में है मणि पर्वत जो कि वास्तव में अयोध्या में रेलवे स्टेशन। जय बजरंगबली, जय बाबा। श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय। श्री राम जानकी मंदिर जैसा कि इस पे लिखा हुआ है, इस स्थान का उद्धार होना चाहिए। कहाँ है हमारे अयोध्या का उद्धार करने वाले मोदी और योगी? ये देखिए एक प्राचीन स्थान अपनी अपनी नीचे एवं गोमती की तरफ जाता हुआ रास्ता, पीछे आप लोग देख सकते हैं प्राचीन। वास्तव में ऊपर को गया है, ऊपर को हुआ है ना स्ट्रक्चर, इसका नीचे वो हो गया है। इस समय ये स्ट्रक्चर नीचे ही नहीं था, ये और ऊपर ही था। अब ये तो भैया योगी मोदी को कुछ करना चाहिए हमें, जो है ऐसे तो ना चलेगा। खाली अयोध्या मणि पर्वत गुल्लर की ही प्रजाति लग रही है, गुल्लर ही है। श्री राम जानकी मंदिर प्राचीन, ये सब स्थान जो हम लोग घूम के आए हैं यही तो साधना के लिए स्थल है। सब ऐसे ये सब ऐसे और बड़ा शुद्ध वातावरण है, चौड़े चौड़े ईंटे हैं। 12 अक्टूबर 2023 महालया के दौरान आज त्रयोदशी का साल, आज के दिन पवित्र दर्शन मणि पर्वत नैमिषारण्य, यही नाम एक आपका वहाँ भी है। ये नहर नहीं, ये बाबूजी चलत नहीं है। अरे लगे इसकी भी अच्छा लग जाए। प्राचीन मणि पर्वत श्री राम जानकी मंदिर और मणि पर्वत नैमिषारण्य को ये कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन अब वो तो किसी आर्ट वाले ने लिखा है। पीछे आप बैक देख सकते हैं पूरी तरह से, बिल्कुल रमणीय स्थान, एक ऐसा स्थान साधना के लिए उपयुक्त हो सकता है। कहीं आसपास कोई दिव्य संत साधना कर रहे हों, और आगे जो एक स्रोत जो दिखाई पड़ा वो तो मुझे लगता है जैसे अगर यह छोटी अयोध्या है तो वो हो सकता है कि वो सरयू नदी भी हो सकती है, सरयू का रूप। जल देखिए इसका, जल ग्रहण करते हुए जय माँ सरयू, सरयू नदी को प्रणाम। आज का दिन रास्ता वहाँ पर मणि पर्वत के बाहर
सूर्य की रोशनी में नहाया श्री चक्र तीर्थ। आज 12 अक्टूबर 2023 महालया के दौरान त्रयोदशी का साल प्राचीन श्री चक्र नारायण मंदिर नाथ महादेव मंदिर के शिखर के दर्शन